हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के बारे में कि आखिर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है और एक क्या होती है और ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से किस तरह से अलग है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या है, तो यह एक तरह की क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, इस चीज को अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गोरिथम हेल्प्स टू फाइंड, एल्गोरिथम हमें हेल्प करती है फाइंड आउट करने में शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अदर वर्टेक्स। मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में बीच की शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है ऑफ ए वेटेज ग्राफ, मतलब एक वेटेज ग्राफ का। अब इन सारी बात का मतलब क्या हुआ, इन सारी बात का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास क्या है, एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स से क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वर्टेक्स हो। अब हमें एक वर्टेक्स से क्या करते हैं, मल्टीपल वर्टेक्स के पास जब भी जाते हैं, ठीक है, तो वाया एक रूट जाएंगे, ठीक है, एक पाथ होगी वहां तक जाने की, ठीक है। जब इसके एक पाथ होगी और कह रहा है कि सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स का मतलब होता है कि जब हम किसी एक वर्टेक्स से मल्टीपल वर्टेक्स पे विजिट करते हैं, ठीक है, एक वर्टेक्स से मल्टीपल वर्टेक्स पे विजिट करते हैं और सोर्स इसको मानते हैं, इस पॉइंट को केयर करते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए हम सारे वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को या शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मतलब कह सकते हैं कि इसी नोड से, इस वर्टेक्स से इसकी भी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट किया, इसकी भी और इसकी भी, जब सबकी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसको सिंगल सोर्स, मतलब एक ही सोर्स है जहां से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं और उनके बीच की मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब बात आ रही है कि यहाँ पे कह रहा है कि ऑल अदर वर्टेक्स ऑफ ए वेटेज ग्राफ। अब वेटेज ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि दो दो वर्टेक्स को कौन कनेक्ट करता है, एक एज कनेक्ट करती है। अब एज के ऊपर क्या होता है, कुछ कॉस्ट हो सकती है, मान लिया यहाँ पे 25 है। अब ये 25 क्या है, हमारी कॉस्ट हो सकती है, दूरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, या फिर किसी और भी फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक नेटवर्किंग में यूज किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है। अब आगे अगर हम बात करें, दियर आर वेरियस अदर एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ लाइक डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इसी तरह से क्या होती है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी वर्क करती है। जैसे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हमने पढ़ रखा है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके दे सकते हैं। तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हम किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू वर्टेक्स, यानी दो वर्टेक्स के बीच में हम कैसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से इस ये एल्गोरिथम भी वर्क करती है एकदम एज इट इज, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि द वेटेज ग्राफ कनेक्टेड टू द निगेटिव वेटेज, मतलब क्या होते हैं वेट, इसमें क्या होती है कि जो भी वर्टेक्स होती है निगेटिव वेट के द्वारा, निगेटिव वैल्यू के द्वारा जुड़ी होती है। देन द डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम दैट नॉट कंफर्म वेदर द, वो क्या करता है कि इसको नहीं फाइंड आउट करता है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब जब क्या होता है कि अब ये वर्टेक्स जुड़ी है, अब इसमें मान लो इसकी वैल्यू क्या है, -10 है, जब -10 हो गई तो इसके लिए डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती और इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करती है। तो इस कारण से हमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है, नहीं तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम एज इट इज काम करती है, उसी तरह से ये भी एल्गोरिथम काम करती है। लेकिन ये किस पे काम करती है, निगेटिव वेट पे, जो भी निगेटिव वेट होगी, निगेटिव वेट वैल्यू होगी उस पर काम करती है। इट कंस्ट्रक्ट टू द डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर हमको फाइंड आउट करता है निगेटिव वैल्यू से। अब देखते हैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है कि कोई एक ग्राफ है, ठीक है, हमने मान लिया ग्राफ है ए से बी तक जाने के। अब एक क्या ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब जिसमें डायरेक्शन हमारे डिफाइन हो ऑलरेडी पहले से, मतलब ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, बी से ए पे नहीं आ रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं और ए से सी जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इसको हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। तो जब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हमारा सोर्स होता है उसको हम जीरो मानते हैं। जैसे यहां पे हमने एक टेबल बनाया, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया और ये हमारे क्या हो गए, डेस्टिनेशन पॉइंट हो गई, ठीक है। सोर्स को हमने जीरो बनाया और सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने तक की हमारी जो भी वैल्यू है, जो भी कॉस्ट, अभी हमें पता नहीं है तो हम उसको इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। जब इनफाइनाइट हम लिखते हैं तो उसके बाद देखो, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है और इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट है। अब हम क्या करेंगे, और इसकी वैल्यू जीरो, जब ए से बी तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है।
जो कि इससे क्या है लेस देन है, नहीं, जो कंडीशन ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि ए से सी जाएंगे, ए से सी जाएंगे जिसकी वैल्यू है 5, जो कि क्या है इससे इनफाइनाइट से लेस देन है। तो दोनों की वैल्यू हमने लिख दी, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10, इसकी वैल्यू 5। हम डिजिटल एल्गोरिथम में क्या करते थे, जो भी शॉर्टेस्ट मतलब छोटी वैल्यू होती थी उसको सेलेक्ट करते थे और उस नोड को विजिट कर लेते थे, मतलब सी को हमने अब यहाँ विजिट कर लिया, ए से हम सी पे आ चुके हैं सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करते थे कि जब हम बी पे विजिट किए, ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, बी को विजिट कर लिया, क्योंकि 5 के बाद 10 ही आता है, बी को हमने विजिट कर लिया, ये फाइनल आंसर इसने दे दिया। लेकिन अगर देखो इसको हम सॉल्व करें कुछ इस तरह से, अगर ए से बी पे, ए से सी पे आने में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, 5, ठीक है। लेकिन अगर हम वाया बी आते हैं, ए से बी गए, अब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब 10 में से -8 कर दें अगर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है, कह रहा है कि ए से सी तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 5 है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर इसकी सही वैल्यू फाइंड आउट करी जाए, तो हम ए से बी गए, बी से अगर हम वाया सी आते हैं तो इसकी वैल्यू -8 है, तो 10 में से -8 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आना चाहिए। और इसी चीज को डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम फाइंड आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। तो कैसे यूज करते हैं इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं उसके जरिए, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के जरिए। जो सोर्स होता है हमने उसको 0 माना, और जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट होती है उसको हमने क्या किया, इनफाइनाइट मान लिया। यहां तक तो क्या करेगा आपका डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेस्ड वर्क करेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम ए से 10 पे गए, मतलब ए से बी पे गए, तो ए से बी की वैल्यू, बीच की वैल्यू क्या है, 10, जो कि इनफाइनाइट से छोटा है, तो हमने इसको डिनोट कर दिया कि 10 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां इस वाले ग्राफ को देखेंगे, इस वाले ग्राफ को हमें देखना ही नहीं, इस वाले ग्राफ को देखेंगे। फिर ए से अगर हम सी आ रहे हैं तो वैल्यू क्या है, 5, जो कि इनफाइनाइट से छोटा है, तो यहां पर हमने 5 को अपडेट कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब हम इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ रहे हैं, इनफाइनाइट से -8 चले, ठीक है, तो -8 क्या होता है, इनफाइनाइट से छोटा ही होता है, ठीक। तो वैल्यू हमें अपडेट नहीं करना, अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, एज इट इज रहेगी, ठीक है, 5 ही रहेगी। अब दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, ठीक है, अब एक राउंड कंप्लीट हो गया, अब दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, यहां पे दूसरे राउंड में क्या करेंगे, अब ए से 10 तक जाना हमें, ठीक है। तो जो ए से इसकी बीच की कॉस्ट 10 है, क्या 10 10 से छोटा है, ऑफ कोर्स बराबर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब यहां फिर देखेंगे एक से सी तक जाने के लिए, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं, बराबर है, ठीक है। जब यहां तो हम 5 रख देंगे, ठीक है, पहले 5 रखा, अब उसके बाद देखो, जब हमने 5 रखा, अब देखो यहां 10 है, 10 से हम जब यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, 10 -8 चले, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 2 हमारे क्या है, 5 से छोटी है। जब 5 से वैल्यू छोटी फाइंड आउट होगी, तो हम 5 को रिमूव करके यहां पे क्या दिखा देंगे, 2 को डिनोट कर देंगे। क्यों डिनोट किया, आई होप आप समझ पाए होंगे। देखो समझ कैसे, हमने क्या किया, यहां सबसे पहले ए से हम बी पे गए, ठीक है, ए से बी के बीच की कॉस्ट क्या है, 10 है, जो कि क्या इनफाइनाइट से क्या है, छोटी है, तो हमने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया, ठीक है, 10 को हमने यहां पे डिनोट कर दिया। फिर ए से हम सी पे आए, जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से 5 क्या है, छोटा है, तो हमने 5 की वैल्यू को डिनोट कर दिया। लेकिन जब हम यहां अभी इसको 10 नहीं बोलो, ये अभी इनफाइनाइट है, जब हम इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट आते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट -8 आते हैं, तो क्या वो इनफाइनाइट से छोटा होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स छोटा होगा, तो हमने क्या किया, एज इट इज इसको रहन देगा। अब क्या होगा, जब दूसरे स्टेप्स में हम देखेंगे, जब ए से हम बी पे गए, तो ए से बी पे गए, तो 10 क्या 10 से छोटा है, ठीक है, ए दोनों तो इक्वल है, जब इक्वल है तो हम इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे, जब वैल्यू छोटी होगी तभी हम अपडेट करेंगे। और ए से जब हम सी पे आए, तो सी पे आए तो वैल्यू क्या हमको मिली, 5 मिली, क्योंकि 5 5 की इक्वल होता है, तो हमने यहां पे क्या किया, 5 को डिनोट रहने दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम बी से वाया सी आते हैं, ठीक है, ए से बी, बी वाया सी आते हैं, जब बी से हम सी पे आए, तो 10 है इसकी वैल्यू, ठीक है, 10 से हम चले -8, तो वैल्यू आई 2, और 2 हमारी क्या है, लेस देन है 5 से, जब 2 लेस देन 5 है, तो 2 को हम अपडेट कर देंगे और 5 को रिमूव कर देंगे। जब 5 को रिमूव कर देंगे, तो यही वर्क करता है हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। अभी हमने देखा कि यहां पे जो हमने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व किया था इसको, जब
जब डिजिटल एल्गोरिथम से सॉल्व किया था तो जो मिनिमम कॉस्ट आप सी थी वो कितनी मिल रही थी हमें, 5 मिल रही थी। लेकिन अभी क्या है, जब हम इसको वेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम से सॉल्व किए तो इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी मिल गई, 2 मिल गई वाया बी। तो यही वेलमैन एल्गोरिथम। अब ये कैसे काम करता, हमने कितनी टाइम्स चेक किया, तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि एवरी इज रिलैक्स टाइम वी माइनस 1 प्लस 1। अब वी माइनस 1 क्या होता है, वी जहां क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसमें क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है 3 माइनस 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसको 2 टाइम्स हमें रिलैक्स करना है, 2 टाइम्स हर एक एज, जितनी भी एज ग्राफ के अंदर है सारी एज को 2 टाइम्स हमको चेक करना है। और तीसरे टाइम्स हमें क्या चेक करना है, प्लस 1 इसमें कर देना है। प्लस 1 क्यों करना है, क्योंकि लास्ट राउंड में हम एज चेक करते हैं कि कहीं कोई निगेटिव वैल्यू छूट तो नहीं रही है इस वजह से। तो सबसे पहले 2 राउंड्स हम किस लिए चेक करते हैं, कि सारे वेज को रिलैक्स करने के लिए, जितनी भी एजेस होती हैं उनको रिलैक्स करेंगे। और लास्ट का एक राउंड मतलब वी माइनस 1 जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उनको डिनोट करेंगे, उसके बाद उनको रिलैक्स करने के बाद प्लस 1 एक बार हम चेक करेंगे क्या कोई वैल्यू निगेटिव तो नहीं है। तो इस चीज के लिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे कि डीपली में कि आखिर हमारा एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम किस तरह से प्रॉपरली वर्क करता है। सो वीडियो को लो, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।